यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फैब्रिक बटन बनाना बताऊंगी। देखिए, मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि मैम हमारे पास बटन बनाने वाली मशीन नहीं है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना मशीन के बहुत ही सुंदर बटन बना सकते हैं। आज मैं आपको बिना मशीन के दो तरह के बटन बना के बताऊंगी। एक हम अपनी मैचिंग के लिए बनाएंगे, जैसे हम डबल कलर के जो बटन बनाते हैं, और एक हम सिंपल बटन बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये मैचिंग वाला बटन बनाऊंगी। ये मैंने दो कलर के चौकोर कपड़े काटे हैं और ये कपड़ा आपको 1.5 से 1.75 इंच रखना है दोनों साइड से। और ये दोनों कपड़े मैंने बिल्कुल बराबर काटे हैं। अब हम इनको यहाँ से ऐसे जॉइंट कर लेंगे। और देखिए, अब हम इनको ऐसे खोलेंगे और ये जो सिलाई वाला कपड़ा है इसको हम दोनों साइड में ऐसे हम नाखून की मदद से खोल देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। अब इसके बाद देखिए, हम इन दोनों को ऐसे मिलाएंगे। ये 20 सेंटर वाली जो सिलाई है ये बिल्कुल आपकी बराबर होनी चाहिए। और अब हम यहाँ पे भी इस पर सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और यहाँ से इस सिलाई वाले कपड़े को भी हम दोनों साइड में इस तरीके से मोड़ देंगे। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, हम ये पुराने बटन लेंगे। जैसे आपके पास पुराने बटन हो, पेंट या शर्ट किसी के भी, आप जो भी साइज का बनाना चाहते हैं उस साइज का आप बटन ले लीजिए। मैं थोड़ा बड़ा साइज बना रही हूँ। और एक मैंने सुई में धागा लिया है और इस पुराने बटन को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसको हम इस तरीके से टाइट पकड़ लेंगे इस कपड़े को। अब इसके बाद देखिए, हम सुई को ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे हम इस धागे को पक्का कर लेंगे। और अब हम इस धागे को इस पे लपेटेंगे। आपको ज़्यादा नहीं लपेटना है, थोड़ा सा लपेटना है। और इसके बाद हम यहाँ पे इस धागे को पक्का कर लेंगे। और अब हम इस कपड़े को काट लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। यहाँ पे आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है, नहीं तो फिर आप जब इसको अपनी कुर्ती या किसी के ऊपर अटैच करेंगे बटन को, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको कपड़ा यहाँ से बिल्कुल काट देना है। और यहाँ से मैंने ये पक्का कर लिया है और ये बटन हमारा एकदम कंप्लीट है। आप देख सकते हैं, ये मैचिंग के लिए आप इस तरीके से डबल कलर का बटन बना सकते हैं। एक मैंने ये बना लिया है और ये थोड़ा बड़ा साइज बनाया है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप मैचिंग के लिए बना सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये मैंने सुई में धागा लिया है और ये मैंने पुराना बटन लिया है। अब ये मैंने एक पेंट में से काटा है, पुरानी पेंट में से। और इसको हम इस कपड़े के ऊपर ऐसे रख के और इसको भी हम ऐसे टाइट पकड़ लेंगे। और यहाँ से फिर हम सुई को इसी तरीके से निकालेंगे और धागे को पक्का करके 2-3 बार हम इसको लपेटेंगे। और यहाँ पे हम धागे में गांठ लगा लेंगे। ये गांठ लगाने के बाद में हम यहाँ से कपड़े को काट लेंगे। यहाँ से भी आपको कपड़ा ज़्यादा नहीं रखना है, इस तरीके से। और अब हम यहाँ से देखिए, इसको अच्छे से पक्का कर देंगे। चारों तरफ से हम इस पे टांके लगाएंगे ताकि ये कपड़ा आपका खुले नहीं, इस तरीके से। आप इसको यहाँ से पक्का नहीं करेंगे तो जो आपने धागा लपेटा है वो खुल जाएगा और फिर ये कपड़ा आपका निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ से आप अच्छे से पक्का कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए, ये बटन भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने प्लेन बनाया है और वह हमने दो कलर के बनाए हैं।
और इसी तरीके से मैंने बाकी और बटन भी बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं बिना मशीन के हमने कितने सुंदर बटन बना के कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरीके से आप किसी भी डिजाइन के लिए बटन बना सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।